क्वेश्चन नंबर 36, डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट जी, तो एफ जी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वही चीज़ है जिसे आप यू डॉट वी के तौर पे बहुत ज़्यादा अपनी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, यानी प्रोडक्ट थ्योरम। तो प्रोडक्ट थ्योरम क्या कहता है कि यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यानी एक वैल्यू को सादा लें, दूसरे का डेरिवेटिव लें, और फिर दूसरी वैल्यू सादा लें और पहले का डेरिवेटिव ले लें। तो ये जो ऑप्शन है इस शक्ल की, वो लिखी हुई है डी में, सो डी इज इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एक उसने डायग्राम दी है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना दिया है, और उसने हमें ये बताया कि ये जो डायग्राम है ये एक स्क्वायर है, यानी इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, और ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और इसका पेरीमीटर 24 है। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है 4s, यानी साइड इंटू 4। तो साइड किसके फिर इक्वल हो जाएगी, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइड आ गई 6। इस स्क्वायर की एक साइड 6 तो दूसरी भी 6, और इसमें एंगल 90 का होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, या अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी कि 90 और 45, चूंकि ये 90 है, हाफ करने से ये एंगल भी 45, ये भी 45, तो क्या उसमें सीखा था 45 वाले में कि अगर ये x हो तो ये x अंडर रूट 2 होता है, तो ये 6 इंटू अंडर रूट 2। या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं राइट ट्राइंगल पे, तो ये डायगनल जो इसका है स्क्वेयर का, सर्कल का डायगनल वो 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा, सॉरी स्क्वेयर का डायगनल जो है 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा। यही डायगनल जो है वो इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, और सर्कल का जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। सो 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आपके पास रेडियस ऑफ दी सर्कल आ जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ दी सर्कल फाइंड कर लें तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू है 3 इंटू अंडर रूट 2, उसका हम स्क्वेयर ले लेंगे तो 3 का स्क्वेयर 9 इंटू 2 18 पाई, हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया। और जो स्क्वेयर का एरिया होता है वो साइड से कैलकुलेट होता है, इसका एरिया होता है साइड स्क्वेयर, तो साइड 6 है, 6 स्क्वेयर दैट इज 36। अब हमने शेडेड जो है वो रीजन फाइंड करना है, यानी ये जो एरिया बाहर है, तो आप गौर करें कि पूरा जो सर्कल है उसमें से अगर हम ये स्क्वेयर वाला हिस्सा निकाल दें तो बाकी शेडेड रीजन बचता है। तो यही असूल हम करेंगे कि इसके एरिया में से, सर्कल के एरिया में से स्क्वेयर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। सो इट विल बी 18 पाई माइनस 36। तो अगर आप इन दोनों में देखें तो 6 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 18 टू सा 18 ही कॉमन है, सॉरी 18 कॉमन है, तो पाई माइनस 2 आपके पास रिजल्ट क्या बना, 18 इंटू पाई माइनस 2। और उसको पाई ने, वो चूंकि टाइपिंग की प्रॉब्लम थी तो यूं पाई लिखा है, तो उससे परेशान नहीं होना। तो 36 पाई, अब ऑप्शन जो हम वो अगर देखें 18 पाई माइनस 36, ऑप्शन में उसने यही लिखा तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया 18 पाई माइनस 36। वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, उससे कुछ सीखा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा।